हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल टेक सपोर्ट पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को YouTube के नए अपडेट्स और शॉर्ट्स वीडियो के नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला जो अभी रिसेंटली नवंबर में आया हुआ है। क्या YouTube में एक नया अपडेट जिससे आप अपने रील और अपने वीडियो को कर सकते हैं वायरल, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे अपनी रील को अपलोड करना है, कैसे आपको थंबनेल लगाना है, टाइटल लगाना है और कैसे टैग्स लगाना है और क्या क्या आपको हैशटैग लगाना है जिससे आपकी रील तुरंत, अगर आपका 0 0 भी 2 3 10 50 सब्सक्राइबर भी है तो आपका अच्छा खासा व्यूज आने वाला है, जिससे आपको YouTube पे काम करने में भी मोटिवेटेड होंगे और अपने चैनल को ग्रो करने में भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए कि वीडियो में अंत तक, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। दोस्तों सिंपली मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग YouTube में वीडियो कहाँ से अपलोड करते हैं। आप लोग पहले तो क्रोम ब्राउज़र से अपलोड करते हैं, नहीं तो आप YouTube के अपने एप्लीकेशन YouTube से भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ कि YouTube में जो नया अपडेट आया है वो अपलोड करके कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं। आप जैसे ही आपको अपलोड करने के लिए वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट्स, वीडियो शॉर्ट्स, लाइक और पोस्ट, ये सभी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ से आप फोटो वोटो सभी चीज़ें क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़, अब आपको मैं बताता हूँ शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए शॉर्ट में क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो इस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब आपके अपने शॉर्ट्स ओपन हो जाएंगे। अब आपको इनको अपलोड करने के लिए आप कोई भी अपनी रील को क्या कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। मैं ये वाली अपनी रील उठा लेता हूँ। इसको उठा लेने के बाद मुझे डन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इसको डन कर देता हूँ, थोड़ी देर ये क्या करेगा, सर्कल मतलब प्रोसेसिंग लेता है। प्रोसेसिंग करने के बाद आप लोगों को मैं एकदम सिंपली बताने वाला हूँ। वायरल करने के लिए इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपको यहाँ से कुछ टैग लगाने, फिल्टर लगाने, वॉइस चेंजर लगाने, कुछ भी लगाना है तो उसमें, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब बारी आती है कैप्चर योर शॉर्ट्स, क्योंकि टाइटल लगाने की, टाइटल लगाने की। अब जैसे मैं अपने वीडियो में क्या, मेरा वीडियो कैसा है, मैं अपने वीडियो पे स्टडी 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 करके मैंने उसमें स्टडी टेबल एंड बुक्स लवर, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है, कुछ स्टार। अब बारी आती है हैशटैग की, तो हैशटैग में पहले आपको लिखना है ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग, क्योंकि जिसमें जितना ज़्यादा मिलियन में व्यूज़ होगा आपको वही वाला चुनना। जैसे वायरल हो गया, अब वायरल शॉर्ट, वायरल शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है, वायरल वायरल ऐसे करके आपको लेना है, वायरल रील रील्स, ठीक है। इतना करने के बाद आप बुक लवर भी लिख सकते हैं, बुक बुक लवर बुक्स, मतलब कि ऐसे करके। अब देखो, अब बारी आती है, आपने टाइटल और हैशटैग लगा दिया, इसके बाद अब आपको यहाँ पे आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में आपको देखो पब्लिक करने के लिए, तो आपको तुरंत वीडियो को अपने पब्लिक नहीं करना है, पब्लिक करने के लिए आपको सिंपली देखो पब्लिक में तो तुरंत नहीं किया जाता, अनलिस्टेड पर रखते हैं। अनलिस्टेड में इसके बाद आपको बैक आ जाना है। जैसे बैक आ जाएंगे तो आता है लोकेशन। लोकेशन क्या होता है कि आप जिस प्लेस से आप अपना वीडियो बनाते हैं या आप जिस राज्य या जिले से हैं, तो उस पर यहाँ पर जैसे अपना टाइप करेंगे तो वो नीचे आ जाता है, उसको चूज कर लेंगे। जैसे मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश खट्ट से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ऑडियंस। ऑडियंस में आप लोगों को हमेशा नो इट्स मेड फॉर किड्स इस पर लेना है, ठीक है, बदलाव कुछ नहीं हुआ है, यही सब चीज़ें हैं। रिलेटेड वीडियो, आप कंटेंट में रिलेटेड वीडियो, आप किसके रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से रिलेटेड वीडियो ले सकते हैं। यही नया अपडेट आया दोस्तों। और शॉर्ट रिमिक्सिंग अलाउ वीडियो एंड ऑडियो मिक्सिंग, हमेशा रिमिक्सिंग होना चाहिए। क्या पेड प्रमोशन कर रहे हैं, यानी ऐड पेड प्रमोशन लेवल, अगर आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो नो पे रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आता है कमेंट। कमेंट हमेशा क्या करते हैं, ऑन पे रखिए,
ऑन पे इसको नन पे कर दिए, डोंट होल्ड ऑन एनी कमेंट्स, ठीक है, कमेंट को ऐसे करिए। फिर इसके बाद जाती है वीडियो को कर लीजिए अपलोड शॉर्ट्स। अब दोस्तों आप की रील यहां से अपलोड हो जाती है, अब बारी आती है एक खतरनाक एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं YTube स्टूडियो। ये YTube स्टूडियो दोस्तों क्या है, आपके पूरे एप्लीकेशंस की जान है, YouTube की जान है, इसको क्या है बहुत मैनेज करता है, इसलिए जान है। अब आपको सिंपली कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो देखो यहाँ पे हमारी रील हो चुकी है अपलोड, और 10 मिनट के लिए चेकिंग लेगा। चेकिंग लेने के बाद इसको ये क्या करेगा, आगे भेजेगा। तो इस प्लस वाले पेन वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही पेन वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वैसे शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए डिस्क्रिप्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ना ही उतना टैग्स की, ठीक है। अब विजिबिलिटी, यहाँ सेट विजिबिलिटी में आपको यहाँ से पब्लिक कर देना है। पब्लिक अगर कर रहे हैं, पब्लिक करने के बाद अगर आप इसको शेड्यूल में पोस्ट करना चाहते हैं, किसमें, शेड्यूल्ड में पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से शेड्यूल में पोस्ट करने के लिए क्लिक कर लेंगे। जैसे अब मुझको 4 बजे करना है या 5 बजे करना है, 5:30 बजे करना है, दिन में करना है या रात में करना है, तो उसका भी आपको, क्योंकि शेड्यूल दोस्तों बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं आप लोगों को देखो पीछे आके बताता हूँ कि आपको शेड्यूल क्यों ज़रूरी है वीडियो में आपकी। आप एनालिटिक्स पे आइए, आप कहते हैं ना कि हमारे वीडियो भैया व्यूज़ नहीं आते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे पूछा कि भैया हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, हमारे में 0 से व्यूज या 0, 1, 2 व्यूज आता है, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है। उनके सब्सक्राइबर भी हो रहे हैं 80-90, फिर भी व्यूज़ नहीं आता है। तो आप लोगों को देखो, व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब योर लोकल टाइम, मतलब इसमें आप लोगों के ऑडियंस के एक्टिव होने का टाइम बताता है दोस्तों। जैसे मंडे में देख लो 11 बजे के बाद एक्टिव रहते हैं, 17:59 के बाद एक्टिव रहते हैं, फिर ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ऐसे करके देख लो दोस्तों। यहाँ पे बताया जाता है कि आप के ऑडियंस कितने पे एक्टिव रहते हैं। जैसे आज वेडनेसडे, वेडनेसडे में 17 मतलब 4 बजे या 5 बजे के आसपास ज़्यादा बंदे एक्टिव रहेंगे। तो मैं अपना यहाँ पेन पे आऊँगा, पेन आन पे आने के बाद मुझे यहाँ पे पब्लिक पे जाना है, पब्लिक करने के बाद शेड्यूल पे जाना है, शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, 27 तारीख आज कितने बजे, 5 बजे वीडियो अपलोड करना है, AM नहीं PM कर दो शाम को, बस हो गया, शेड्यूल पे हो गया वीडियो, आप सेव कर दो, सेव करने के बाद काम खत्म। रील पे आपका वीडियो व्यूज़ बढ़ने लगेगा, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा खासा आएगा, ठीक है। बस यही हो गया आपका वीडियो। अब और मैं आपको YouTube का जो नया अपडेट था दोस्तों, मैंने नया अपडेट आप लोगों को बता ही दिया है कि नया अपडेट हमारा जो था वो वीडियो को अपलोडिंग के लिए, मतलब कि इसमें ये वाला अपलोड ले लिया, पहले यहाँ पे ऐसे नहीं था, मतलब कि शॉर्ट्स है तो शॉर्ट्स के लिए अलग था, वीडियो था तो अलग था, वो शुरू में आप लेकिन यहीं पर होता, तो यही नया आया है दोस्तों, ठीक है। कैसी लगी जानकारी आप लोगों को, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कैसा लगा दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बट कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगी, भैया आपकी वीडियो क्यों नहीं बन रहा है, आपकी वीडियो में क्यों व्यूज नहीं है, अबे चूतियो तुम चड्ढे लाल देखते ही नहीं हमारी वीडियो, तो व्यूज कहाँ आएंगे, अबे देख लिया करो, देख के लाइक कर दिया करो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। अच्छा बताया अरे भाई, चलो नमस्ते। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बता, और सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, सब्सक्राइबर बनता है प्लीज। ओके बाय बाय।